श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय नवम अष्टम राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या नवम अनुवाद तात्पर्य दिवेन ग्रीसेसी भक्तिवेदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अजहस्रजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् दद्रशे येन तद्रूपं नाभि पद्मसमुद्भवः। शब्दार्थ अजह किसी भौतिक साधन के बिना जन्म लेने वाला सृजति सृष्टि करता है भूतानि जीवों को भूत आत्मा पदार्थ से बने शरीर वाले यत जिसकी अनुग्रहात कृपा से ददृशे देख सके ये न जिसके द्वारा तत्रूपम उसके शरीर का स्वरूप नाभि से पद्मा कमल का फूल समुद्भवः उत्पन्न। अनुवाद ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सब के सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। तात्पर्य ब्रह्मा प्रथम सजीव प्राणी है जो अजह कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने भौतिक संसार में उत्पन्न किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। वे भगवान के कमल पुष्प के शारीरिक विस्तार से सीधे प्रकट हुए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि भगवान तथा ब्रह्मा के शरीर एक ही तरह है या भिन्न भिन्न। इसे भी अच्छी तरह समझ लेना होगा, किंतु एक बात जो निश्चित है वह यह है कि ब्रह्मा जी भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित थे, क्योंकि जन्म के पश्चात वे भगवान की कृपा से ही जीवों को उत्पन्न कर सके थे। और भगवान का दर्शन कर सके थे, किंतु उन्होंने भगवान के जिस रूप को देखा था वह ब्रह्मा जैसा गुण वाला था या नहीं, यह चकराने वाला प्रश्न है। इसीलिए महाराज परीक्षित इसके उत्तर को श्री सुखदेव गोस्वामी से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। कैंसिल ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी प्रश्न भी पूछ रहे हैं, कन्फ्यूज है समझने के लिए, और दूसरा वो ब्रह्मा जी की को भगवान की कृपा मिली कितनी है उसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। अजह श्रुत्यति भूतानि, अजह यानी जिसको जन्म भौतिक स्रोत से नहीं हुआ है, अजह यानी ब्रह्मा जी का भौतिक स्रोत से जन्म नहीं हुआ है, वो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न सुवर्ण कमल के ऊपर उनका वो उत्पन्न हुए थे कमल के ऊपर, तो ये सीधे भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो एक बात यह कि अजह सृजति भूतानि, अजह ने सृजति भूतानि, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी सर्जन किया अजह सृजति भूतानि, तो उन्होंने भी उत्पन्न किए, वो भी सबके सृष्टा है भूतात्मा यद अनुग्रहात, किसकी? कृष्ण की कृपा से। तो अभी ब्रह्मा जी से भी शरीर निकले सब, जैसे हम लोग ब्रह्मा जी के ही कृपा से है हम लोगों को शरीर मिला है। तो अजह सृजति भूतानि, तो ये जो जीव को शरीर मिलता है वो ब्रह्मा जी ने दिया, तो क्या ब्रह्मा जी भी जहाँ से उत्पन्न हुए हैं वो भी स्रोत कैसा है? वो भी ऐसा भौतिक है? ये चक्रा देने वाला क्वेश्चन यहाँ कहते हैं कि
कि भगवान के जिस रूप को सुखदेव परीक्षित महाराज ये निश्चित कर लेना चाहते थे कि भगवान के जिस रूप को ब्रह्मा जी ने देखा था वह ब्रह्मा जी ऐसा गुण वाला था या नहीं, यह चक्कर आने वाला प्रश्न है। क्योंकि ब्रह्मा जी भी इससे भी सर्जन हुआ और ब्रह्मा जी का भी सर्जन भगवान से हुआ, तो हम लोगों को तो भौतिक शरीर है, ब्रह्मा जी को भी भौतिक शरीर है, तो क्या कृष्ण का भी विष्णु का भी वो भौतिक शरीर था? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न मायावादी को समझ में नहीं आएगा, भक्तों को तुरंत समझ जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय, भगवान पूर्ण है उसमें से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये जो भगवान को भौतिक शरीर नहीं है वो मायावादी लोग नहीं समझ पाएंगे, वो समझेंगे भगवान जो भी रूप लेते हैं वो माया का शरीर है, इसीलिए भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, कृष्ण नहीं बोल सकते वो लोग, राम नहीं बोलते हैं, ये मायावादी है। क्योंकि वो बोलेंगे ये भौतिक है, भगवान का शरीर भौतिक है, भगवान का नाम भौतिक है। तो ये प्रश्न क्लियर कर देना चाहते थे कि थोड़ा सा भी भगवान भौतिक है, उनका रूप तो भौतिक होगा। देखो ब्रह्मा जी भगवान में से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से हम लोग उत्पन्न हुए, तो हमारा और ब्रह्मा जी में फर्क, मतलब हमारा और भगवान में क्या फर्क है, ब्रह्मा जी और भगवान में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि मायावादी ऐसे सोचते, वो भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझते, जन्मे कर्मे च मैं दिव्यम वो नहीं समझते हैं, इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं और पूरे जीवन कंफ्यूज रहेंगे और पूरे जीवन दुख भोगतेंगे। क्योंकि ये जो वेदांत दर्शन करने वाले हैं मायावादी लोग विशेष करके, वो पूरे दिन वेद को पढ़ते रहते हैं, इतना डिफिकल्ट है वेद को समझना पढ़ना, पर उनका उन मायावादी लोग को पढ़ना ही पड़ता है, वो ज्ञान में मानते, बोले ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, भक्ति नहीं, भक्ति तो छोटी चीज है, ज्ञान बड़ी चीज है, इसी लोग ज्ञान प्राप्त करने जाते और दुख भुगतते हैं, अच्छा नहीं खाना चाहिए, और भक्त भगवान का नाम लेते हैं कोई शंका नहीं उसको, हाँ भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, चाहे ब्रह्मा जी जन्म तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी भौतिक शरीर वाले हैं तो क्या हुआ, भगवान आध्यात्मिक है, अचिंत्य, वो भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझता है कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है। ये भक्त का सबसे बड़ा गुण है, लक्षण है कि भगवान की अचिंत्य, भगवान की शक्ति को अचिंत्य समझना है, वहां से भक्ति की शुरुआत होती है, वो भक्त शुद्ध बनता है, शुद्ध भक्त होता है। हाँ हो सकता है भगवान में से कुछ भी और सब कुछ संभव है, ये अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करना ये भक्ति की शुरुआत है। और शुरुआत से यदि हम इतना स्वीकार लेंगे कि यस भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भगवान में से जो ब्रह्मा प्रकट हुए तो ब्रह्मा चाहे भौतिक शरीर वाले होंगे लेकिन भगवान भौतिक शरीर वाले नहीं है, क्योंकि भगवान में से तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये सब भौतिक तत्व, तो भगवान से ही तो सर्जन हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान भी भौतिक है। ये सब जवाब देंगे बहुत सुंदर रूप से पूरा भागवतम में, ये सब प्रश्न के उत्तर है, हम जो अभी प्रश्न कर रहे हैं ना ये सात प्रश्न के उत्तर है, सात या जो भी प्रश्न किए ये सब प्रश्न के उत्तर, इसके लिए इतना बड़ा भागवतम 18,000 श्लोक, ये प्रश्न उत्तर के लिए है। ये जो प्रश्न पूछ रहे कोई छोटा प्रश्न नहीं है, बड़ा प्रश्न है, तो हमें समझना चाहिए भगवा की किस प्रकार से, वो समझने के लिए सुखदेव गोस्वामी भी प्रश्न करते कि मुझे समझाइए ये क्या है, भगवान भौतिक रूप है, हाँ भौतिक रूप भी है भगवान का विराट रूप, तो मुझे समझाइए। और इस प्रकार से भगवान जहाँ से सर्जित हुए हैं, अरे ब्रह्मा जी जहाँ से अजय जहाँ से सर्जित हुए हैं वो भी मुझे समझाइए, ये सब मुझे जानना है। और नम्रता से प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए मृत्यु की शैया पर रहने वाला व्यक्ति ये सब प्रश्न पूछ रहा है, कितनी चेतना कितनी बड़ी होगी। और साथ में से प्रश्न नहीं पूछ रहे, उनको सब ज्ञान भी है, क्या ज्ञान, उन्होंने क्या बताया, यद अनुग्रह दद्रश्य येन तद रूपम, दद्रश्य उन्होंने देखा, दद्रश्य येन उन्होंने रूप देखा भगवान का,
वो कैसे देखा ये बताते हैं, निसंदेह भगवत कृपा से ही यद अनुग्रहात, जिन अनुग्रहात यानी कृपा से, भगवान की कृपा से उन्होंने भगवान के रूप का दर्शन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कल मैंने थोड़ा सा समझाया था। इसमें क्या प्रभुपाद कहते हैं, इस तात्पर्य में एक बहुत सुंदर चीज बता रहे। ये प्रश्न हमने बताया, सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा ये, लेकिन प्रभुपाद यहां कहते हैं कि एक बात जो निश्चित है वह यह है कि ब्रह्मा जी श्री भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जन्म के पश्चात वे भगवान की कृपा से ही जीवों को उत्पन्न कर सके थे और भगवान का दर्शन कर सके थे। यानी जो व्यक्ति कृष्ण की कृपा पर आश्रित है वही कृष्ण की सेवा कर सकते हैं और वही अधिकारी है भगवान कृष्ण के दर्शन करने के, और कोई अधिकारी नहीं है। कोई बोले हमको भगवान दिखाओ, नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है भगवान के दर्शन करना भगवत कृपा के बिना, हो ही नहीं सकता। भगवत कृपा यानी भगवान की कृपा या भक्तों की कृपा, और ब्रह्मा जी के तो कोई थे नहीं तो सीधा भगवान की कृपा मिली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ब्रह्मा जी उनकी कृपा पर पूर्णतः आश्रित थे, भगवान की कृपा पर। वो ऐसे नहीं मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं प्रथम जीव हूँ, सीधा भगवान से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं कर सकूँगा कुछ भी, नहीं। उन्होंने ऐसा थोड़ा भी नहीं सोचा, और सिर्फ सृष्टि के सर्जन के समय नहीं, अभी भी ब्रह्मा जी ऐसा नहीं सोच रहे कि मैं इतना बड़ा संभाल रहा हूँ। और जैसे ही ब्रह्मा जी को ऐसा होता है, थोड़ा सा भी अहंकार आ जाते, भगवान कृष्ण तुरंत उनको लाइन पर ले आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने सोचा, ठीक है कृष्ण बहुत बड़े महान भगवान है और मैं भी छोटा थोड़ी हूँ, मैं इस पूरे विश्व को संभालता हूँ भाई, छोटा काम थोड़ी है मेरा, ऐसा हुआ। और कृष्ण ने उनको दिखा दिया कि आप सबसे छोटे ब्रह्मा हो, करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा है। मतलब ये उनका जो विमोहन है, ब्रह्मा जी का विमोहन हमारे जैसा विमोहन नहीं है, वो तो भगवान अपने भक्तों के साथ ये आदान प्रदान करते हैं। जैसे अर्जुन को विमोहित किए थे, ऐसे ही ब्रह्मा जी को ऐसा कभी मोह उत्पन्न हो जाता है कि नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं इस प्रथम जीव हूँ। तो इसी प्रकार जब भक्तों का ऐसा थोड़ा अहंकार आ जाता है, तो भगवान यदि वो भगवान की कृपा होगी भगवान की, तो अहंकार उसका टूट जाएगा। अरे मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ, देखो मैं इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, हाँ मैं इतने भक्तों को संभाल रहा हूँ, यह अहंकार आएगा, भगवान को पसंद नहीं है, इसीलिए सजा करेगा, तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ मेरी कृपा पर आश्रित रहो। यह हमें सीखना है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा जी श्री भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित थे। हमें भी भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित होना है, और इस प्रकार से आश्रित होंगे तो ही हम प्रचार कर सकेंगे, और प्रचार करने के साथ साथ हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी कर सकेंगे। ये दो चीज़ ब्रह्मा जी ने प्राप्त की, क्या भगवान की कृपा से वे जीवों को उत्पन्न कर सके थे, जो भगवान का आदेश था, भगवान की सेवा थी। क्योंकि जीव जो अनादिकाल से इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, अनादिकाल से, उन जीव का उद्धार करने के लिए उनको शरीर देना था। ये भौतिक जगत का सर्जन का यही कारण है कि हम सब बद्ध जीव को वापस भगवद्धाम भेजने का एक मौका देना। तो ब्रह्मा जी बहुत बहुत अच्छी सेवा कर, ब्रह्मा जी शिव जी ये सब बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं भगवान की। इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों को ब्रह्मा जी शरीर देकर उनको एक मौका देते, जाओ अभी तुम भगवान की सेवा करके भगवान को प्राप्त करो। यह ब्रह्मा जी कितना महान सेवा है। हम लोग यदि अच्छी तरह भक्ति करेंगे तो हम इसी जन्म में भगवत धाम को प्राप्त होंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ब्रह्मा जी के पास अभी बहुत समय है, ब्रह्मा जी इस जगत में बहुत समय रहेंगे, हम ब्रह्मा जी से पहले
भगवत धाम जा सकते हैं। देखिए कितने ब्रह्मा जी दयालु है कि उन्होंने सर्जन का भार लिया। ओके ठीक है, हालांकि गौण सर्जन है, भगवान ने सब कुछ किया, लेकिन वो कृपा पर निर्भर है। जैसे हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो हम पुस्तक वितरण नहीं करते हैं, कृष्ण की कृपा से पुस्तक वितरण कर होता है, ये समझ लेना हमको। हम सोचेंगे हम कर रहे हैं ना, ये कृष्ण की कृपा है। इसीलिए इसी प्रकार ब्रह्मा जी ऐसे ही सोच रहे थे, नहीं 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 मैं कुछ सर्जन नहीं कर रहा हूँ, ये सब कृष्ण, क्योंकि उन्होंने दर्शन भी किया था। तो हमें यही समझना है कि हम कुछ नहीं, हम तुच्छ जीव है, और कृष्ण कृपा पर, कृष्ण की कृपा पर अगर हम आश्रित रहेंगे तो हम सेवा कर सकेंगे और भगवान का दर्शन कर सकेंगे। दो चीज, भगवान का सदृश, ददृश ये न सदृश मीन्स अच्छी तरह हम दर्शन कर सकें, ददृश यहाँ ददृश है, ददृश देख सके हम भी दे। भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, विश्वरूप दर्शन के बाद जब भगवान ने यहाँ भगवान कहते हैं जब जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ, द्विभुज मुरलीधर रूप देखा और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। शांत हो गए अर्जुन विश्वरूप दिखाने के बाद। तब भगवान कहते हैं, सुदुर्दर्शम मिदम रूपम दृष्ट्वानसी यन्मम, सुदुर्दर्शम यानी देख पाने में अत्यंत कठिन, मतलब भगवान के द्विज रूप द्विबाहु ये रूप को देखना, कृष्ण को देखना सुदूरदर्शम इदम इस रूप को, तो तुम मेरे इस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। देखिए वो रूप को ब्रह्मा जी ने, वो रूप का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया था और हमें भी वो रूप का दर्शन होगा, हम भी भगवान को फेस टू फेस मिलेंगे। कल मैंने बताया था कि यदि हम सेवा करेंगे अच्छी तरह तो हमारा नाम भगवान, ओ ये महाचंद्र अच्छी सेवा कर रहे हैं, सेकंड करेंगे ये शुभ विलास, हाँ ये मेरा भक्त है, दौड़ता है सेवा करता है मेरी, कानू प्रभु राधे श्याम प्रभु ये सब दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं भगवान। फिर भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, हमको वो आतुर है हमको उनके दर्शन करवाने के। यहाँ अर्जुन को बोला देखो ये तुम ये दूसरे देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये रूप का मैं दर्शन करवा रहा हूँ, और वो रूप का ब्रह्मा जी ने दर्शन कर लिया था फिर सर्जन किया, तो हम लोगों को भी दर्शन होगा, लेकिन हमको सेवा करनी है अच्छी तरह, अहेतु की अप्रतिहता, हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, ऐसी सेवा करो। हम दर्शन के आकांक्षी नहीं है, हम बस भगवान प्रसन्न हो उसके आकांक्षी है, और भगवान क्या चाहते हैं, मैं दर्शन दूं भक्त को, वो भी चाहते हैं भगवान, भक्तों को दर्शन करने के लिए भगवान आतुर है। ओ कितने समय के बाद ये अभी लाइन पर आ रहा है, शांति होती है ना, जब लड़का पढ़ाई करने के बाद इधर उधर घूमता रहता है। कल मुझे ये एक भक्त बता रहे थे कि ये कॉलेज में जो डॉक्टर बनती है लड़कियां, सब नहीं पर हॉस्टल में पढ़ती है, तो वो वीकेंड में या
वैकेशन होता है 2-4 दिन का, तो शराब पीने जाती है और वॉमिट करती है, गंदा ये सब शराब पीते हैं लड़कियाँ। ये हमारी डॉक्टर ही भारत की ये संस्कृति। तो ऐसे हमारा बच्चा लड़के अगर आउटलाइन पे है और जब देखेंगे वो सुधर रहा है, अच्छा भी तो काम कर रहे हैं, तो हमको कह देता हाँ अच्छा है, शांति होगी ना। इसी प्रकार भगवान जब किसी भक्त को देखते तो भगवान को यही अनुभूति होती है, हाँ लाइन पर आ रहा है, फिर भगवान तैयार है उनको अपना रूप दर्शन कराने के लिए। ये कोई कोई बड़ा चढ़ाकर बात नहीं बोल रहे, ये भक्ति का इतना पावर है कि भक्ति भक्त्या मामा भी जान आती। हम मुझे भक्ति के द्वारा जान सकते हैं, मुझे अर्पण करो भक्ति के द्वारा, भक्ति द्वारा अर्पण किया मैं स्वीकार करता हूँ, ये चाहिए उनको भगवान को। हम सेवा बहुत करेंगे लेकिन भाव नहीं है, गुरु के प्रति आदर नहीं है, तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। सेवा तो हम बहुत कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु के आदेश की क्या आवश्यकता है। हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम अच्छी तरह चैंटिंग कर रहे हैं, अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं, हम मैं और कृष्णा नहीं, गुरु के बिना तो कृष्णा स्वीकारेंगे ही नहीं। जैसे शुभिला जो एक प्रश्न कॉमन प्रश्न है कि भाई भगवान को लेफ्ट हैंड साइड रख के क्यों प्रणाम करते हैं, ये शास्त्र की विधि है कि भगवान को हम सीधे प्रणाम नहीं कर सकते, कोई भगवान के पास सीधे नहीं जा सकते, भगवान को गुरु के द्वारा ही जा सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते। तो हम प्रणाम गुरु को गुरु के द्वारा भगवान को कर रहे हैं, ये विचार ये है। हम सीधे दर्शन नहीं कर सकते भगवान के, गुरु यदि प्रसन्न नहीं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। गुरु की कृपा के बिना हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी के तो गुरु और भगवान एक ही थे, ब्रह्मा जी के गुरु भगवान ही थे, तेने ब्रह्मदाय आदि कवय मुयंती अचुरे। और हमारे गुरु को प्रसन्न करना है हमको कोई भी हालत में, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, भगवान को देखना नहीं हमको, हमारा लक्ष्य भगवान का देखना नहीं है, भगवान का क्या बोलते हैं प्रेम भी हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है गुरु की प्रसन्नता। सदगुरु सदगुरु होने चाहिए, हम गर्व से कह सकते कि हम हमारा लक्ष्य गुरु को प्रसन्न करना है, क्योंकि हमारे गुरु सदगुरु है, जो जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है वो हमको भगवान के दर्शन करवाएंगे, वो करवाए ना करवाए नहीं, हमारा एक ही कार्य है गुरु को प्रसन्न करें। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, गुरु को प्रसन्न करो बस हो गया हमारा काम, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम तुच्छ जीव है। तो गुरु प्रसन्न होंगे तुरंत भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु प्रसन्न होंगे तुरंत भगवान प्रसन्न होंगे। और आओ आओ मिलाओ, यस आप इसके शिष्य हो ना, आ जाओ। ये है प्रभुपाद ने कहा कि मेरे शिष्य लायक नहीं है भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन मेरे पास बैकडोर की चाबी है, भगवत धाम मैं पीछे से ले जाऊंगा, मतलब ले जाएंगे भक्तों को, बस हमें प्रभुपाद से जुड़े रहना है। और हमारा गुरु यही कर्तव्य करते हैं, और हमें भी यही कर्तव्य करना चाहिए कि सबको प्रभुपाद से जोड़ो। प्रभुपाद के पास चाबी है, ये भी चाबी है ना, भागवतम भगवत गीता चाबी है, ये सब हमने हमको प्रभुपाद ने दिए, प्रभुपाद की कृपा के बिना हम नहीं कर सकते। तो यही गुरु की कृपा यानी प्रभुपाद की कृपा, और प्रभुपाद की कृपा यानी भगवत कृपा। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मान छकल।